दोस्तों, हाइना वो जानवर है जिनके कमीनेपन की कोई हद ही नहीं होती। इनके कमीनेपन को जंगल में बस एक ही जानवर निकालता है और वो है शेर, क्योंकि जब भी हाइना शेरों के ज्यादा करीब जाने की सोचती है तो उन्हें इस गुस्ताखी की कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ती है। और आज यही सब चीजें हम वीडियो में भी देखेंगे। अब ये हाइना बहुत ही चुप्पे से शेर का खाना चुराने आया था, लेकिन इसे ये नहीं पता था कि शेर इस हाइना का बेसब्री से इंतजार कर रहा है और खाना खाने आया हाइना खुद ही खाना बन गया। लेकिन दोस्तों, इस बात का ख्याल हाइना को बहुत अच्छे से रहता है कि शेर के ज्यादा पास नहीं जाना है, लेकिन शेर कोई नौसिखिया जानवर तो है नहीं कि उसे हाइना के आने का पता ही नहीं चलता हो। और हाइना शेर से भी तेज भी नहीं दौड़ पाते, इस वजह से शेर इनका काम तमाम कर देते हैं। लेकिन इस हाइना से ज्यादा बदकिस्मत कोई और हाइना नहीं होगा, क्योंकि तीन शेरों के बीच फंस जाना अब तो हमें भी इस हाइना पर तरस आने लगा, क्योंकि एक ही शेर काफी है हाइना की जान निकालने के लिए, और यहाँ तो तीन शेर हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ हाइना बचने की नहीं जल्दी मौत आने की सोच रहा होगा। अब दोस्तों, इस हाइना पर ये शेर इतना ज्यादा गुस्सा था कि इसके बच्चे को शेर इनके सामने ही मारता है और फिर गड्ढा खोद कर इस बच्चे को काटने भी लगता है। और शेर की शक्ल बता रही है कि शेर बहुत ज्यादा गुस्से में है। अब इस वीडियो में भी ये हाइना का बच्चा बुरी तरह से शेर के चंगुल में फंस जाता है। खैर, इस हाइना की माँ दूर से अपने बच्चे पर नजर रखे रहती है, लेकिन उसे भी ये दूसरा शेर खदेड़ देता है। और दोस्तों, शेरों को हाइना को खाने का कोई शौक नहीं होता, बल्कि शेर हाइना से बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं। और अपने बच्चों को इन हाइना से दूर रखने के लिए भी शेर हाइना के बच्चों को या हाइना को मार देते हैं, जिससे हाइना को ये समझ में आ जाए कि शेर और उनके बच्चों से दूर रहें। अब दोस्तों, यहाँ पर कई सारे हाइना है, लेकिन इन शेरनियों के तो जैसे खून सवार था, क्योंकि इनमें से एक हाइना को पकड़कर शेरनिया मौत के मुंह में पहुंचा देती है। खैर, दूसरे हाइना बहुत ही कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन शेरनियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस हाइना ने तो मरने तक का नाटक किया कि शायद ऐसा करने से शेर उसे छोड़ दे, लेकिन शेर को बेवकूफ बनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि हाइना मरने का तो नाटक करता है, लेकिन शेर इसे अपने जबड़ों से आजाद नहीं करता। और नाटक करते करते इस हाइना की सच में मौत हो जाती है। दोस्तों, इन वीडियोस को देखा कर हमें इतना बुरा लग रहा है कि अब तो हाइना जैसे दरिंदों पर भी हमें तरस आने लगा, क्योंकि जरा इस मासूम को देखो, इसे तो पता भी नहीं था कि मौत इसके बगल में इसका शिकार करने के लिए छुपी है। और कब इस बेचारे हाइना की मौत हो जाती है, इसका तो अंदाजा इस बेचारे हाइना तक को नहीं लगता। लेकिन दोस्तों, आपने इस शेरों को हाइना को मारते हुए तो देखा, लेकिन ये शेर इन हाइना को खाते नहीं है, बस इन्हें अपने इलाके से दूर रहने के लिए इन्हें मारते हैं, जिसमें शेर के बच्चे सेफ रह सके। जैसे कि इस बच्चे को भी पलक झपकते ही शेर पकड़ता है और लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। और जब शेर को लगने लगता है कि अब ये हाइना नहीं बचेगा, तो शेर दूसरे हाइना को मारने के लिए निकल जाता है। दोस्तों, ये दोनों हाइना शेर के इलाके में आराम से बैठकर धूप सेक रहे थे, लेकिन शेर इतने खतरनाक होते हैं कि जैसे इनके पास कोई रडार हो, क्योंकि शेर कुछ ही देर में इन्हें ट्रैक कर लेते हैं और इन दोनों में से एक को मौत की घाट उतार देते हैं, जिससे इसके साथ ही हाइना को यह अंदाजा तो लग ही गया होगा कि कहां इसे बैठाना है कहां नहीं। अब इस हाइना की बस इतनी सी गलती थी कि ये बेचारा टहलते टहलते शेरों के बीच फंस गया, और एक शेर तो इनका काम तमाम कर देता तो इतने सारे शेर इसका क्या करेंगे। लेकिन इन शेरों के अंदर बड़े शेरों के लिए आदर बहुत ज्यादा है, इसलिए बॉस को इस हाइना को मारने देते हैं। दोस्तों, ये हाइना बहुत ही ज्यादा इस शेर को परेशान कर रहा था, लेकिन जब शेर ने इसे परेशान करना शुरू किया तो इस हाइना की परेशानी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई, जिससे इसकी मौत हो गई। और इसी तरह ये भी हाइना इन शेरों का शिकार हो गया, और शेर भी इसे मारने के बाद लावारिस छोड़ देते हैं, क्योंकि शेरों को इन्हें खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। दोस्तों, ये बात सच है कि शेर अकेला कई हाइना के बीच फंस जाता है, तो कभी कभी शेर को भी अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। लेकिन एक अकेला हाइना कभी भी किसी शेर या शेरनी को नहीं मार सकता, और अगर हाइना ऐसा करने की कोशिश भी करते हैं तो अभी कितने एग्जाम्पल हम आपको दिखा चुके हैं। और दोस्तों, ऐसा अक्सर हाइना जब शेर का खाना चुराने की कोशिश करते हैं तब होता है, और इसी चक्कर में हमेशा हाइना को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। दोस्तों, हमने शेर को तो हाइना का शिकार करते देख लिया, लेकिन और भी जानवर हैं जो इन हाइना को इनकी औकात दिला देते हैं। दोस्तों, हाइनास और जंगली कुत्तों में लगभग सब कुछ सेम ही होता है, क्योंकि ये दोनों की कद काठी बिल्कुल एक जैसी होती है और दोनों ही झुंड में शिकार करना पसंद करते हैं। लेकिन क्या होता है जब ये एक दूसरे से लड़ बैठते हैं, जैसे कि इस वीडियो में ये हाइना इन जंगली कुत्तों के बीच फंस जाता है, और इसे पता होता है कि अकेले तो ये इन कुत्तों से नहीं जीत सकता,
इस वजह से जमीन में चुपचाप लेट जाता है और इन कुत्तों के काटने का कोई रिएक्शन भी नहीं देता। अब इन दो हायना को देखो जिन्हें जंगली कुत्तों के झुंड ने घेर लिया है, लेकिन फिर भी किसी तरह ये हायना जान बचाकर भाग जाते हैं। अब ये वीडियो थोड़ा सा हैरान करने वाला है, क्योंकि ये तो पालने वाले कुत्ते हैं जिन्होंने मिलकर हायना को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन कोई इंसान इन कुत्तों से ऐसा क्यों करवा रहा है? हो सकता है हायना के बॉडी पार्ट ब्लैक मार्केट में बिकते हों। दोस्तों, तेंदुआ और हायनास दोनों ही किसी दुश्मन के लिए एक परफेक्ट एग्जांपल है, और आप इन दोनों जानवरों को एक दूसरे के ऊपर हमला करते बहुत ही कम पाओगे। लेकिन कभी कभी जब तेंदुए को कोई शिकार नहीं मिलता तो ये हायना की भी गर्दन तोड़ देते हैं और उन्हें ही अपना शिकार बनाते हैं, जिससे ये बात पता चलती है कि जंगल में कोई भी किसी का दोस्त नहीं होता। अब जैसे कि इस वीडियो में ये तेंदुआ इस हायना को खाने से दूर भगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हायना भी मारने वाला कहां था और खाना मुंह में दबाकर वहां से जाता है। दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जंगली भैंसों की तरफ चलते हैं, जिन्हें मार गिराना शेरों के लिए काफी मुश्किल होता है। तो ये हायनास कैसे इनका शिकार कर सकते हैं? क्योंकि इन जंगली भैंसों के पास इतनी ताकत होती है कि ये शेर को भी मौत के घाट उतार दे, और अगर ये झुंड में है तो इन्हें छूना भी किसी जानवर के बस की बात नहीं। जैसे कि इस वीडियो को देखिए, जिसमें एक भैंस अपने बच्चे को जन्म देती है, लेकिन जन्म देते ही ये हायना आगे पीछे इस भैंस के मंडराने लगता है, और धीमे धीमे ये कुत्ते इस बेचारे माँ बच्चे को चारों तरफ से घेर लेते हैं। माँ भी बेचारी जितना हो सकता है बच्चे को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन ये हायनास कुछ ज्यादा ही तेजी से बच्चे पर अटैक कर रहे थे। अब इस वीडियो में भी ये भैंस अपने बच्चे के साथ इन हायनास के बीच फंस जाती है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे सिंघम लोग अपने दोस्त को बचाने के लिए आ रहे हैं, और एक दूसरे के लिए प्यार इन भैंसों के अंदर कूट कूट कर भरा होता है, और यही चीज इन्हें जंगल में बचे रहने में भी मदद करती है। दोस्तों, जंगली सुअर ऐसे जानवर हैं जो अगर अपने पे आ जाते हैं तो चीता तेंदुआ भी इनसे जान बचाकर भागते हैं, इसलिए ज्यादातर केस में हायनास भी इनसे लड़ना बिल्कुल पसंद नहीं करते। लेकिन इन कुत्तों को अगर मौका मिल जाता है तो ये सुअर के बच्चे को जरूर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक वयस्क सुअर को मार पाना इन हायनास के लिए नामुमकिन होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हायना बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती, क्योंकि भूख एक ऐसी चीज है जो किसी भी जानवर या इंसान से कुछ भी करा सकती है। अब जैसे कि इस वीडियो में हायना इस सुअर के बच्चे को मारना तो चाहते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये उसकी माँ से लड़ने का बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, और आखिरकार सुअर इस हायना पर अटैक ही कर देती है। अब पता नहीं इस बात का कोई तुक है या नहीं, क्योंकि रायनो से तो बड़े बड़े जानवरों की फट जाती है, तो फिर ये हायनास आखिर इनका क्या बिगाड़ लेंगे? क्योंकि दोस्तों, मैंने बहुत सी वीडियो देखी है जिसमें शेर या शेर झुंड में रायनो के पीछे दौड़ते हैं और इसका शिकार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक भी वीडियो में मैंने शेरों को जीतते हुए नहीं देखा, तो हायना क्या ही कर लेंगे? तो दोस्तों, हायना ये कर सकते हैं कि इन रायनो के प्राइवेट पार्ट पर दांत काट सकते हैं, क्योंकि एक तो रायनो की बॉडी में उससे नाजुक जगह और कोई नहीं होगी, और वहां से ब्लीडिंग होने की वजह से रायनो कमजोर पड़ जाएगा और ये कुत्ते उसका शिकार कर लेंगे। तो इस चीज से एक बात ये भी पता चलती है कि इन कुत्तों के पास दिमाग की भी कोई कमी नहीं होती, क्योंकि इन्हें पता है कि किस जानवर को कैसे परेशान करना है। वैसे इस रायनो को मार तो नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत परेशान कर ही लेंगे। अब इस वीडियो में हायनास इस रायनो के बच्चे का शिकार करने में लगे हुए हैं, लेकिन बच्चे की माँ ऐसा होने दे तब तो ये शिकार करेंगे। वैसे इस वीडियो में जब ये हायना इस रायनो के बच्चे के एकदम करीब आ जाता है तो बच्चा हायना से डरता नहीं बल्कि डटकर सामना करता है, लेकिन जब बच्चे की माँ हायना की तरफ मुड़ती है और इस हायना को वहां से निकल जाने में ही अपनी भलाई समझ में आती है। हनी बैजर वो जानवर है जिनका लोहा जंगल में हर जानवर मानता है, क्योंकि एक तो ये किसी भी जानवर से डरते नहीं, और सांप तो जैसे इनका सबसे मन पसंदीदा खाना है, लेकिन ये हायना भी बहुत अजीब प्राणी है, क्योंकि ये किसी भी जानवर पर हमला करने से पहले कभी भी सोचते नहीं, लेकिन हनी बैजर का ये पीछा तो करते हैं लेकिन इनका शिकार नहीं करते। पता नहीं क्यों पर हायनास इन छोटे हनी बैजर से डरते हैं और हर बार इन्हें छोड़ देते हैं। जैसे कि इस रात में फिल्माई गई वीडियो को देखो, जिसमें दो हायना और दो हनी बैजर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन हनी बैजर इनसे डरकर भागते नहीं बल्कि भगाकर ही दम लेते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।